हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एसोसिएट डिफेंस एकेडमी की एक नई वीडियो के ऊपर, जिसमें हम लोग हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। ये वीडियो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम एसएससी 131 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और आप लोग को पता होगा कि हिस्ट्री सेक्शन से ह्यूमैनिटीज़ में हिस्ट्री सेक्शन से 5 क्वेश्चन आप लोग के आते हैं, तो इस वीडियो से 1 से 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप एसएससी 131 और 132 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रात 9 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ना न भूलें, जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चन, आपके एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। तो इस फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव को ज्वाइन करके अपने ऑफिसर बनने का सपना पूरा करें और अपनी प्रिपरेशन को भी इन्हेंस कर सकते हैं। एसएससी 131 का एग्ज़ाम डेट है 20 जुलाई 2024 को। विच वॉज द फर्स्ट नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट लेड बाई गांधी जी? गांधी जी द्वारा पहला नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कहाँ लेड किया गया था? लेड किया गया चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट, गांधी जी का पहला सत्याग्रह मूवमेंट था। ठीक है, ये 1917 में हुआ था, सबको पता होगा 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसमें कि बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में गांधी जी जाके वहाँ पे वहाँ के लोगों का साथ दिए थे। ठीक है, और जो खेड़ा ये है अहमदाबाद सत्याग्रह गांधी जी के जस्ट इंडिया आने के बाद, साउथ अफ्रीका से इंडिया आने के बाद जस्ट शुरू किया था इन्होंने 1918 में। ठीक, और खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था और बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। तो आपको पता है कि गांधी जी द्वारा स्टार्ट के तीनों मूवमेंट को गांधी जी ने लीड किया था, जिसमें कि सबसे स्टार्टिंग में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन बताइए कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब आए थे और उस दिन को हम लोग किस रूप में मनाते हैं। ठीक है, दोनों का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट, नेम ऑफ द लीडर हु डिज़ाइन द नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तेज बहादुर सप्रू और मोतीलाल नेहरू जी ने मिलकर, ऑप्शन ए एंड बी बोथ। नेहरू रिपोर्ट 1928 में क्या था? डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की गई थी, फंडामेंटल राइट की डिमांड की गई थी, बाई कैमरल लेजिस्लेटर एट सेंटर, मतलब लोकसभा राज्यसभा वाला, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, नो सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, ये कुछ फेमस डिमांड थी नेहरू रिपोर्ट की, जिसको तैयार किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ने। एट विच INC सेशन स्वराज वाज अडॉप्टेड द अल्टीमेट गोल? लाहौर सेशन में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इन दिसंबर 1929 द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एन एनुअल सेशन इन द लाहौर वेयर जवाहरलाल नेहरू वाज प्रेसिडेंट। उस समय के जो चेयरपर्सन थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, चेयरमैनशिप की थी। इस सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी, या कंप्लीट इंडिपेंडेंस भी कह सकते हैं। उसको अल्टीमेट गोल बनाया गया था इंडियंस के द्वारा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई, यही लाहौर सेशन में। ठीक है, उस दिन 26 जनवरी को पूर्व स्वराज के रूप में मनाया जाने लगा 1930 के बाद। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ ना, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल के तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्व स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे, तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे वो चाहते थे कि हम ये डेट ना भूलें, इसलिए हमारे संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्रिक हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1930 से हो गई थी। ठीक है, और इसके चेयरमैनशिप कौन थी? जवाहरलाल नेहरू जी की। स्टार्ट कब हुआ? 1929 में। ये तीनों चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी स्टार्टेड दांडी मार्च टू लॉन्च विच मूवमेंट? पहला, गांधी जी स्टार्टेड दांडी मार्च टू लॉन्च, दांडी मार्च करके गांधी जी ने कौन सा मूवमेंट लॉन्च किया था? सबको पता है ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब ये दांडी मार्च क्या है? इसको सॉल्ट मार्च भी कहते हैं या सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, इसको दांडी सत्याग्रह भी बोलते हैं। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक क्या था, एक प्रकार का एक्टिविटी ही थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने समर्थकों के साथ 24 दिवसीय यात्रा के लिए निकल पड़े, जहाँ पे उन्होंने जाके ब्रिटिश का नमक बनाया कानून को उन्होंने तोड़ा। 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुँचे, जहाँ पे इन्होंने नमक का कानून तोड़ा और वहाँ पे नमक बनाया। ठीक है, जिसके बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था।
तो ये सिविल डिसओबीडिएंस के वहीं से शुरुआत कर दी थी इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हमारे संविधान का प्रारूप कैसा होना चाहिए, हमारा संविधान कैसे बना होना चाहिए, ये सब की चर्चा करने के लिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस समय के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में INC ने पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि गांधी जी जेल में डाल दिए गए थे दांडी मार्च के बाद, ठीक है। तो गांधी जी को जेल में डाल दिया गया, जब गांधी जी जेल में डाल दिए तो कोई और लीडर गए ही नहीं, तो इससे क्या हुआ, INC उसमें पार्टिसिपेट नहीं की, जिससे वो पूरी तरीके से फेल हो गए थे, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया था। तो 1930 में शुरू हुआ, 1931 में हुआ, फिर 1932 में हुआ, जिसमें सेकंड वाले में गांधी इरविन पैक्ट के द्वारा गांधी जी को बाहर निकाला गया और गांधी जी फिर INC के लिए लंदन गए थे। तो फर्स्ट का ऑप्शन बी होगा, ठीक है, डिड नॉट पार्टिसिपेट वाले में। नेक्स्ट, हु आर द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन। सिख रिलीजन के फाउंडर कौन है? ऑब्वियस बात है, ये गुरु गोविंद सिंह जी हैं, गुरु नानक जी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फाउंडर ऑफ द सिख रिलीजन। हु इमर्ज विक्टोरियस इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के तृतीय युद्ध में किसकी जीत हुई थी? अहमद शाह अब्दाली की। किसके किसके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। जीत क्या गया था, वो कोई टेरिटरी भारत का नहीं लिया, फिर वो छोड़ के सब चला गया, क्योंकि वो मराठाओं के वीरता से बहुत प्रभावित हुआ था, ठीक है। अब आप कॉमेंट सेक्शन बताइएगा कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, ठीक, ये कॉमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द फ्रेंच ट्रेवलर लाइक बेरनार्ड ट्रेवलर विजिटेड इन इंडिया, किसके शासनकाल में आया था? शाहजहां के शासनकाल में आया था, क्योंकि ताजमहल देख के आप लोग लग गया होगा कि शाहजहां ने बनवाया था, तो शाहजहां के शासनकाल में आए थे। कौन? बेरनियर ट्रेवलर थे। व्हेन डिड द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत फाउंड, द्वितीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1526 में पहला पानीपत का युद्ध हुआ था, 1556 में दूसरा हुआ था, तीसरा आप लोग को कॉमेंट सेक्शन बताना है। इसके बाद एक और आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी, किनके किनके बीच हुई थी, ठीक है, किनके किनके बीच हुई थी, ये आंसर दीजिएगा। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया, रजिया सुल्तान, ठीक है, रजिया सुल्तान इज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया। रजिया सुल्तान बेटी किसकी थी? इल्तुतमिस की बेटी थी, ये बाबर और उसके हुमायूं और शाहजहां बेटी नहीं थी, याद रखिएगा। रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिस की बेटी थी, ठीक है, इल्तुतमिस की। हु डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा एंड कन्नौज। बैटल ऑफ जो चौसा हुआ था वो 1500 बैटल ऑफ कन्नौज पहले हुआ था 1539 में, ठीक है, बैटल ऑफ कन्नौज 1539 में और बैटल ऑफ चौसा 1540 में। दोनों लड़ाई जो लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। तो डिफीट कौन हुए थे? हुमायूं किससे? शेरशाह सूरी से। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। मैंने बैटल का टाइम भी बता दिया है, ठीक। चलिए, विच मौर्यन रूलर फाउंड वाज द कलिंगा वार। कलिंगा वार किसने लड़ा था? अशोक ने लड़ा था। किस समय लड़ा था ये आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा, किस समय, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र रचनाकार कौन है बताइए, बहुत आसान सवाल है ये। अर्थशास्त्र के रचनाकार जो है कौटिल्य हैं। हु आर द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू द अज्यूम ऑफ द टाइटल महाराजा धीराज, मतलब किंग्स ऑफ किंग, राजाओं के राजा महाराजा धीराज। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ACC 131 का क्रैश कोर्स हमारे के यहाँ लॉन्च कर दिया गया है, जो ऑलरेडी चल रहा है, जिसको आप लोग ज्वाइन करके अपने रिमेनिंग टाइम में कंप्लीट स्मार्ट स्टडी करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। जिसको जिस बैच को ज्वाइन करते हैं आपको श्योर शॉट PDF नोट्स मिलेंगे, जिसमें MCQ वन लाइनर्स होंगे, जो लास्ट 20 डेज़ की रिक्वायरमेंट होती है आप लोग के लिए। रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे जिसको आप लोग अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हैं। मैराथन क्लासेज होंगे 9 to 11 PM पे, जहां आप टीचर से इंटरेक्शन करके अपने सभी डाउट को पूछ सकते हैं। मॉक टेस्ट वीकली कराए जा रहे हैं, PYQ को सॉल्व भी कराया गया है और रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल भी है। इस बैच को ज्वाइन करके स्मार्ट स्टडी करके रिमेनिंग टाइम में भी आप अपने ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। 8120745960 से व्हाट्सअप करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये गूगल मीट पे स्क्रीन शेयर करके लाइव क्लास हम लोग पढ़ाते हैं PDF नोट्स से, जो पेड बैच लेने के बाद आपको मिलेंगे। ये ऐप है, ऐप के माध्यम से भी अपने एज पर नीड एंड एज पर इंटरेस्ट आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आपको 9:00 PM क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा रहा है, तो इस बैच से जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से, और इस ऐप से भी बैच को परचेज कर सकते हैं।
अगर आपकी यूनिट में नेटवर्क का इशू होता है तो इस बुकलेट को ऑर्डर कर लीजिए, जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड पैटर्न के हिसाब से तैयार कराई गई हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 130 में इन बुकलेट्स ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसको अब अपडेट कर दिया गया है। तो प्रिंट फॉर्म में आपकी यूनिट एड्रेस पर भी इसको डिलीवर कराया जा सकता है, या आपने प्रिफरेंस करस्पॉन्डिंग एड्रेस पर इसको डिलीवर करा सकते हैं, जिसमें थ्योरी एमसीक्यू वन लाइनर्स हैं। लास्ट 20 डेज़ के लिए बुकलेट रामबाण है, इसको ऑर्डर करके आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी फ्री वीडियो सीरीज, इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम अपडेट और सभी जानकारी के लिए आप यूट्यूब से जुड़े रहें, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद अस।